मेरा पीर 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 चोर डाकू देने आए डाकू डालने डाका डालने वाले आए चोरी करने वाले आए बेनमाजी आए लुच्चे लफेंगे बिल्कुल ठुकराए धुतकारे हुए आए लेकिन मेरे पीर ने क्या से क्या बना दिया चोर डाकू आंदे ने नमाजी बन जांदे ने आशिक लंदन पेरिस दे हाजी बन जांदे ने चोर डाकू आंदे ने नमाजी बन जांदे ने आशिक लंदन पेरिस दे हाजी बन जांदे हिम्मत वाला मेरा पीर ताकत वाला मेरा पीर इल्म वाला मेरा पीर हिल्म वाला मेरा पीर 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 हबीब अब भाई मुरीद को कैसा होना चाहिए पता कैसा होना चाहिए मैं आपको बताता हूं कैसा होना चाहिए एक नौजवान मैं इस वाक्य को अपने अंदाज से बयान करता हूं बड़ा प्यारा वाक्य है एक नौजवान अपने बुजुर्ग के पास हाजिर हुआ क्या मुझे अपना मुरीद बना लीजिए और बहुत मतलब कि उसने कोशिश की क्या है सबर का उसको एक कुदाल दिया मैं समझते ना मिट्टी वगैरह साफ करने का औजार उसके सर पर एक फालतू किस्म का खोल लगा हुआ था थोड़ा वजनी था फालतू सोच गौर से समझिएगा खोल लगा हुआ था कहा जाए इसे काम कर वो लेकर काम में लग गया इस शख्स ने उस औजार से बरसों काम किया बरसों काम करने के बाद शेख की बारगाह में हाजिर हुआ कहा क्या हुआ तक काम किया शेख ने यह देखा कि इसने बरसों काम किया जो इसको मैंने कुदाल दिया था इसके साथ जो वो फालतू किस्म का जो खोल लगा हुआ था ना इसने बरसों काम करके कभी पीर से ये नहीं पूछा पीर साहब ये हाथ में जो कुदाल दे दिया ये खोल किस काम का बेफायदा खोल क्यों दे दिया वजन उठाने के लिए इस शख्स ने बरसों इस कुदाल से खिदमत की लेकिन कभी सवाल नहीं किया पीर साहब को इसकी अदा पसंद आ गई कि ये क्यों किया ये क्यों किया ये किसका क्या फायदा ये मुरीद का काम ही नहीं है ये मुरीद का काम ही नहीं है मुरीद सुधरने के लिए आया है मुरीद सुधारने के लिए नहीं आया बात समझ रहे हैं मुरीद अपनी इस्लाह करवाने के लिए मुरीद बना है पीर की इस्लाह करने के लिए मुरीद नहीं बनता रास्ता देखने के लिए मुरीद बनता है रास्ता दिखाने के लिए मुरीद नहीं बनता अपनी गलतियां सुधारने के लिए मुरीद बनता है पीर की गलतियां निकालने के लिए मुरीद नहीं बनता वो कैसा मुरीद है जो पीर के अंदर खामियां निकालता यहां तक बुजुर्गों ने लिखा कि कामिल मुरीद बनना है तो पीर को तोलना छोड़ दो जो पीर को तोलता हो पीर को चेक करता हो पीर का इम्तिहान लेता हो बल्कि जो पीर की करामतों के ऊपर नजर करता हो उसको भी कभी कामिल मुरीद नहीं कहा गया जी हां क्योंकि हमारे यहां करामतों का एक अजीब निजाम है कि कोई ऐसी चीज नजर आ जाए क्या नजर आ जाए भाई हवा में उड़ता हो आग खाता हो पानी पर चलता हो तो हवा में तो चिड़िया भी उड़ती है पानी पर तो जहाज भी चल जाता है लकड़ी का बना हुआ है डंडों का बना हुआ है तो क्या जहाज को पीर बनाएंगे चिड़िया को पीर बनाएंगे किसने समझा दिया ये किसने बता दिया यही करामत है ये एक करामती किस्म जरूर है लेकिन इस करामत में इस्तदराज भी हो सकता है धोखा भी हो सकता है कोई दो नंबर का आदमी भी ये काम करके दिखा सकता है
लेकिन कोई दो नंबर का आदमी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक नमाज पढ़कर इस्तिकामत नहीं पा सकता। असल इस्तिकामत देखनी है, इस्तिकामत क्या है। एक नौजवान एक बुजुर्ग की बारगाह में बड़ा शोरा सुनकर आया कि अल्लाह के वली है। कई दिन रहा, कई दिन रहने के बाद कहने लगा जाता हूं, जाओ खैरियत तो है। वह बड़ा शोरा सुनकर आया था, हजरत मुड़ी करामतें देखूंगा, तो करामत तो कोई नजर नहीं आई, अब जा रहा हूं। क्या करामत दिखा दा तुझे? तो कोई करामत नहीं देगी। क्या कभी शरीयत के खिलाफ चलते हुए देखा? क्या ये नहीं देखा। सुन्नत के खिलाफ चर्जी देखी? ये नहीं देखी। क्या बेटा भी तुझे और क्या करामत दिखाऊं? आंख वाले, ये आंख वालों के लिए, अक्लमंदों के लिए काफी है, वो इस तरह की करामतों के पीछे नहीं भागते। तो कोई भी दिखा देगा क्या, उसके पीछे चल जाएंगे? कोई बब वो नचवाने वाला तो बंदर को भी सलाम करवा देता है अपनी समझ में, और बंदर सलाम कर रहा है, ये तो उसका काम था, उसने बंदर को सलाम करवा दिया, क्योंकि उसके पीछे पड़ जाएंगे। कोई आकर सांप के साथ लिपट जाता है, सांप को लिपटा लेता है, सांप के साथ खेलता है, क्या उसके साथ आप लग जाओगे? उसकी अकीदत दिल में आ जाएगी। ये नौजवान जो सारी दुनिया की रौनकें छोड़कर सिर्फ एक शख्स के पीछे दौड़ रहे हैं, फिर रूहानियत की शे को कहते हैं? बताओ, रूहानियत की शे को कहते हैं? अरे वही तो मकरातीस का निजाम है, वही तो मैकेनिज्म है, वही तो स्पिरिचुअल पावर है जो सारी दुनिया के नौजवानों को अपनी तरफ खींचती चली जा रही है। यही तो स्पिरिचुअल पावर है, यही तो रूहानी ताकत है। और किस शे का नाम है रूहानी ताकत? इसी को तो रूहानी ताकत कहते हैं कि दुनिया में इस्लामी भाई जमा है, अरे सुनते नहीं हो? आपके सामने बाप आकर कहता है कि मेरा माजूर बेटा जब मदी चैनल पर अमीले सुन्नत को देखता है तो बढ़कर स्क्रीन को चूम लेता है। अरे रूहानियत किसको कहते हैं? किस शे का नाम है रूहानियत? अरे जिसको देखते हैं तो रोना नहीं आता क्या? आता ही नहीं आता रोना? गुनाहों पर नदामत होती या नहीं होती? देखते तो नमाज पढ़ने का जी चाहता ही नहीं पाता। अरे जो फर्ज नहीं पढ़ते थे उससे अवाबिन पढ़ने वाला बना दिया। रूहानियत किस शे का नाम है? अरे जो अपने बालों पर हाथ नहीं लगाने देता था, अरे इसके फेस ने उसके सर पर हमामे का ताज सजा दिया। अरे जो दाढ़ी नहीं रखता था, दाढ़ी वालों की मजाक उड़ाता था, वो एक मुश्त दाढ़ी वाला बन गया। अरे जो जींस की पैंट जिससे उतरती नहीं थी, रात सोता था जींस की पैंट पहनकर, टी शर्टें पहनकर पहने बगैर उसको नींद नहीं आती थी। अरे कहां गई जींस की पैंट? अरे कहां गई टाई? किधर गया कोट? किधर गई सूट? किधर गया फरंगी लिबास? सब कुछ खत्म कराकर मंदी लिबास पहना दिया। फैज और रूहानियत की शे का नाम है? अरे सीख और रूहानियत तो कहते हैं, ये तो फैज है। जिस जो शख्स कांटा और छुरी के बगैर खाना नहीं खाता था, अरे रबर की बैंड लगाकर उसको तीन इंगलियों से खाना खिलवा दिया है। किस शे का नाम है? अरे जो कुर्सी से उतर कर खाना नहीं खाता था, उसे उल्टा पाव बिछाकर सीधा पाव खड़ा करके सिर्फ नहीं, पर्दे में पर्दा कराकर मिट्टी की प्लेट में और चबाकर खाना खाना सिखा दिया। शेख रूहानियत किस शे का नाम है? जो आधी बोतल छोड़कर खड़ा हो जाता था, बचावा पानी फेंक दिया करता था, उसे बैठकर तीन सांसों में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर, देखकर अल्लाह का जिक्र करके उसको पानी पीने वाला बना दिया। रूहानियत किसे का नाम है? अरे जिसे नरम नरम गदेलों के बगैर नींद आती थी, आका की सुन्नतों का ऐसा जाम पिला दिया कि आज चटाई पर वो कैसी सुकून की नींद सोता है, है? अरे रूहानियत की बातें करते हो? आओ रूहानियत तुम्हें फैजान मदीना में मिलती है, आओ रूहानियत तुम्हें मेरे मुर्शिद के जलवा में मिलती है। रूहानियत किसका नाम है यार? किसको कहते रूहानियत? बंदे के दिल में निदामत आ जाए, गुनाहों का एहसास पैदा हो जाए, अगर वो गुनाह छोड़ता नहीं है, गुनाहों से नफरत तो कर रहा है, बताओ ना, गुनाह छूट नहीं रहा, गुनाह से नफरत तो हुई, गुनाह करने के बाद ये एहसास तो हुआ कि भूल हो गई। मैं आपसे पूछता हूं, आज जो आपके दिल में ये भूल का एहसास पैदा हुआ, ये एहसास किसने दिया है? अरे किसके करीब आकर मिले थे? आप वही हो जो चंद दिनों पहले इस चीज के महसूसात को भी नहीं जानते थे, आज वही हैं। सिर्फ बात इतनी है कि बल्ब बे रोशन था,
सिर्फ पावर लग गया मेरे पीर का, अरे ये बल्ब जल उठाया। बात ये है, अरे फिर भी पावर को नहीं मानो तो फिर ये रोशनी क्या कर रही है, ये कैसी रोशनी है। अरे रात के 4:45 बजने वाले हैं जिसका जिक्र सुनने के लिए अपनी नींदे उड़ाकर फैजाने मदीना और ना जाने कहां कहां बैठे हो, ये मेरा बयान सुनने नहीं बैठे, तुम अपने पीर का, अपने मुर्शिद का जिक्र सुनने के लिए बैठे हो। मेरे बापा जी